आज हम तकरीब में जिस बुज़ुर्ग के हाजिर हैं, जाहिर सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर कबल भी कहा था, जिनके आस्थानों पर जाएं, जिनकी बारगाहों में जाएं, उनकी तारीफ़ करने का सबसे पहला हक होता है। लेकिन हमने किसी भी दूसरे बुज़ुर्ग की यहाँ पर तारीफ़ नहीं की और ना ही बयान किया। जो कुछ भी किया वो सिर्फ ज़ात रसूल का किया, इसलिए कि हमें मालूम है इन तमाम औलिया के बादशाह सिर्फ मदीने के तहत था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में इन तमाम औलिया की तारीफ। लेकिन आज हम उर्स की तकरीब में हाजिर हैं, तो मैं बरकत के लिए हज़रत सैयद हज़रत शाह क़ादरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक कुछ बातें आपके तक पहुँचा दूँ। ये ज़रूरी है इसलिए कि आने वाली नौजवान नस्ल वो अपने औलिया से रोशनास रहें, मालूमात हासिल करते रहें। और मैं अहले खाना से हज़रत शाह क़ादरी रज़ी अल्लाहु की औलाद अमजाद आज भी मौजूद हैं बुलगुर शरीफ में, इनसे मेरी बड़ी मुअद्दबाना इल्तिमास है कि हज़रत शाह क़ादरी रज़ी अल्लाहु की जो किताबें या इल्मी नुस्खे जो मौजूद हैं वो मंजर आम पर लाएँ। उम्मत के नफ़ा के लिए उन्होंने जो कुछ भी कलमी नुस्खे छोड़े हैं वो सबसे बड़ी विरासत है पूरी उम्मत के लिए, उसको मंजर आम पर लाएँ ताकि उनकी शख्सियात को हम पूरी उम्मत के दरमियान आश्कार कर सकें। जिस वली के आस्थाने पर आप हाजिर आए हैं मेरे अजीज, तो ये सहीहुन नसब हुसैनी सादात में से, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल पूरी दुनिया में दो किस्मों में बटी हुई है, हसनी सादात हैं और हुसैनी सादात हैं। उलगुर शरीफ और बंकापुर में जो सादात हैं ये हुसैनी सादात हैं। इनके जद अमजद हज़रत शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला जो बंकापुर में आराम फरमा है, वही सबसे पहले इस इलाके का रुख करने वाले हैं। अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सरहिंद में भी थे, पंजाब में रहे और इल्मे दीन हासिल करते रहे और सफ़र भी करते रहे। आपका सिलसिला नसब हज़रत सैयद हमज़ा हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है बीजापुर की, और हमज़ा हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो वली पाक हैं जो किछोचा शरीफ के कुतुब सैदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भतीजे। मखदूम अशरफ समनानी जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम कौन नहीं जानता। मेरे अजीज़ो, हज़रत मखदूम समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो नसब है वही हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी नसब है, बीजापुर के हमज़ा हुसैनी से चल कर। हज़रत शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी अगरचे ये नवासे हैं अलाउद्दीन शाह क़ादरी के, लेकिन इनके जो वालिदे पाक हैं वो भी बीजापुर के ही आस्ताने हमज़ा हुसैनी से ही वाबस्ता है। तो आपका नसब माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, दोनों तरफ से भी हुसैनी सादात से। हज़रत शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो मुनफरिद वली हैं जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तो उसी दिन उनकी माँ का इंतकाल हुआ। अलाउद्दीन शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बंकापुर में जब थे आपका इंतकाल हुआ, उनके फौरन बाद आपकी ज़ौजे मोहतरमा का इंतकाल हुआ, और इस गम में जो अलाउद्दीन शाह क़ादरी की बेटी थी वो बीजापुर से आई हमल से थी, बड़ा सख्त सफ़र करके आई थी, और यहाँ आने के बाद गम से निढाल हो गई, माँ बाप की दोनों की रहलत हो चुकी थी, माँ का भी इंतकाल हुआ बाप का भी इंतकाल हुआ। इस गम में बच्चे की विलादत तो हुई जो हज़रत शाह क़ादरी जी के उर्स में आप आए हैं, लेकिन वो गम से नबुर्द आज़मा ना हो सकी, उसके बाद फौरन आपका इंतकाल हो गया। हज़रत शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा बीबी वलीमा, इनके इंतकाल के बाद उनका मज़ार भी बंकापुर में है। बच्चे थे ये एक दिन के बच्चे थे, और परवरिश के लिए दो दिन तक किसी ने ख्याल भी नहीं किया आपकी तरफ से, क्योंकि गम का माहौल ऐसा था, सब गम में निढाल थे। आपकी खाला जान थी अलाउद्दीन शाह क़ादरी की दूसरी बेटी हज़रत बीबी फातिमा, वो शादीशुदा नहीं थी, वो आस्थाने अलाउद्दीन शाह क़ादरी में अकेली मौजूद थी। और अलाउद्दीन शाह क़ादरी के एक बेटे हज़रत अब्दुल रज़ाक शाह क़ादरी ये भी वहाँ मौजूद थे, जो हज़रत शाह क़ादरी के सगे मामू। तीन दिन के बाद इनको एक हुजरे से उठाया, हज़रत शाह क़ादरी तआलानू को उठा करके लाया गया। जानते हो इनकी परवरिश कैसी हुई? हज़रत शाह क़ादरी तआलानू की परवरिश के लिए शहर भर की दायाएँ बुलाई गईं दूध पिलाने के लिए, लेकिन किसी का दूध आप नहीं पीते थे,
बच्चे को 3 दिन तक दूध नहीं दिया गया, फिर भी वो हंसते और खेलते हुए मौजूद थे। अब्दुल रज़ाक शाह कादरी ने महसूस किया कि बच्चा 3 दिन से दूध नहीं पिया है, तो उन्होंने अपने सीने से लगाया। अल्लाह ताला ने गैबी ताकत के तौर पर अब्दुल रज़ाक शाह कादरी के सीने में दूध मुंतकिल फरमाया, और हज़रत शाह कादरी के तनहा वो वली हैं जो अपने मामू का दूध पी करके बड़े, मामू का दूध पीते रहे, और यहाँ तक के जो बच्चों के दूध पीने की मुद्दत होती है पूरी मुद्दत तक हज़रत अब्दुल रज़ाक शाह कादरी से ही दूध पीते थे। ऐसा नहीं कि अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सीने में कोई जनाना चीज़ थी, नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुकम्मल मर्द थे, लेकिन जब आपको दूध की तलब होती अल्लाह गैब से उनके सीने में दूध दाखिल कर, और ये करामत देख करके वहाँ शहर की कई दायाएँ ईमान ले आईं, जो गैर मुस्लिम थी काफिरा थी उन सब औरतों ने ईमान कबूल किया इस बात पर कि हमने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा देखा है। देखो चेंज करके सर्जरी करा करके मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए, दिखने में तो हो सकता है, लेकिन दूध का पैदा होना ये सिर्फ निज़ाम कुदरत में मौजूद है, नहीं पैदा कर सकते। दूध का पैदा करना, बच्चे का पैदा करना, ये अल्लाह की कुदरत में है। तो यहाँ अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने में दूध का आना, ये मेरे अजीज़ों किसी सर्जरी और साइंटिफिक दवाओं के ज़रिए से नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के एक वली को ग़िज़ा पहुँचाने के लिए, वो भी एक अनोखी तरबियत के लिए, कि जिसकी माँ का पहले दिन इंतकाल हो जाए तो कोई ये ना समझे कि बच्चों की परवरिश के लिए सिर्फ माँ ही होती है, औरत का होना ही ज़रूरी है। अल्लाह अपने कुदरत के अजायब जब दिखाना चाहे तो मर्दों से भी बच्चों की परवरिश हो। रब तबारक व तआला की कुदरत के वो शाहकार हैं, ये सबके साथ मुमकिन नहीं है, अल्लाह जिस पर दिखाना चाहे। वैसे सबको मालूम है बग़ैर बाप के बच्चा पैदा होता है, बग़ैर बाप के बच्चा होता है, लेकिन मौला ताला को जब मंजूरी हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के हज़रत मरियम के पेट से पैदा किया। बग़ैर माँ के कोई बच्चा पैदा होता है बग़ैर माँ के? अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे, हाँ बग़ैर माँ के भी बच्चा पैदा हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की माँ कौन है? कोई नहीं। मेरे अजीज़ों ये करामत हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला की ज़िंदगी पाक में रखी गई है, अल्लाह तबारक व तआला उनके आस्ताने से खूब खूब फ़ुयूज़ और बरकत हमें आता है। अब ये यहाँ से आने वालों के लिए मेरी तंबीह है कि आप हज़रत शाह कादरी के आस्ताने से ज़रूर अल्लाह की बारगाह में अपने ईमान का सवाल करें, अपने ईमान की भीख मांगें, और ये दुआ करें कि मौला इस वली पाक को तूने अपनी उनकी ज़िंदगी में जो तकवा व तहारत अता किया था उसके चंद कतरे मुझे भीख में अता। दुनिया मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं मेरे अजीज़ों, अपना ईमान मांगो और अपनी आखिरत मांगो और उनके तकवे व तहारत को मांगो। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो इंशाल्लाह हमारा हश्र भी हज़रत शाह कादरी के साथ, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। आप निकाह भी फरमाए अपने सगे मामू की बेटी से, अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी से, और उसके बाद हज़रत शाह कादरी की इबादतों का हाल तो ये था मेरे अजीज़ों, यहाँ पर शाहनूर जाने के रास्ते पर आज भी वो गार मौजूद है, आज भी वो गवी मौजूद है जिसमें 12 साल तक आप अंदर बैठे रहे, 12 साल नाखून पूरे लटक रहे थे, बाल पूरे बढ़ चुके थे, 12 साल कोई मुद्दत होती है? आप सोचें 12 साल तक उस गार में याद इलाही में ऐसे मशगूल रहे, और रात के वक्त 12 साल के बाद आप उस गार से बाहर आए थे तो देखने वालों ने बताया कि वो पूरा का पूरा उजाला हो चुका था, ऐसा लगता था जैसे सूरज तुलू आपके चेहरे पाक से, इतना नूर जाहिर था, वो जिक्र इलाही का नूर था। आज भी वो गार मौजूद है हज़रत शाह कादरी रज़ियल्लाहु ताला, उसके बाद वहाँ से आप तशरीफ़ लाए हुलगूर से और यहीं अपना हमेशा का मस्कन इसे बना लिया, और इस ज़मीन को उन्होंने मुंतखब कर लिया जिस ज़मीन पर आज हम बैठे हुए हैं। अल्लाह के वली जिस आस्ताने पर होते हैं वहाँ दुआएँ कबूल की जाती हैं, वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला जल्द दुआएँ सुनता है। अल्लाह करीम उनकी आल व औलाद को खूब बरकतों से नवाजे, ईमान व अकीदे की मजबूती अता हो, उनकी आल व औलाद को अल्लाह ताला हमारे सरों का साया बनाए, और हज़रत शाह कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ुयूज़ व बरकात से हम सब की झोलियाँ भर दे। मौला जितने ज़ायरीन आए हैं सबको मौला इश्क़ रिसालत अता फरमाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदना ग़ुलामों में मौला हम सबको शामिल फरमाए, क़यामत के दिन मेरे आका के असहाब
और खुद्दाम के साथ हम सब का हशर फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन व आखिर दावाना अल हम्दुलिल्लाह।